मानो चिड़िया जंगल में रहा करती थी। उसके पिता की मृत्यु तो उसके जन्म के बाद ही हो चुकी थी। वह अपनी माँ के साथ अकेली ही जंगल में रहती थी। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। वह भी अपनी माँ से बहुत प्यार किया करती थी। फिर अचानक से उसकी माँ बीमार हो जाती है। बेटा रानू, जा कर के गोरी आंटी को बुला लाओ, मैं उन्हें से कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर रानू चिड़िया करके गोरी कवि को बुला लाती है। गोरी, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मैं भी तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। मेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, मैं अब ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहूँगी। मेरी बेटी अभी छोटी है, इसलिए तुम इसे अपनी बेटी की तरह ही पालना और इसे हर खुशी देना। टोनी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी का पूरा ध्यान रखूँगी। वैसे भी मेरे पास भी एक बेटी है, ये दोनों साथ में खेला करेंगे, दोनों साथ में ही बड़े होंगे। जैसे मेरी बेटी है वैसे ही ये भी मेरी बेटी जैसी रहेगी, तुम निश्चिंत रहो। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती हैं। अगर आप चली गई, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मैं भी मर जाऊंगी। बेटी रानो, ऐसा नहीं कहते, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो गोरी आंटी से बस कह रही हूँ, मैं कहाँ मरी जा रही हूँ। तुम ऐसा मत कहो, अगर मैं चली भी गई तो तुम हमेशा खुश रहकर जीना, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं निश्चिंत हूँ। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया की माँ मर जाती है। माँ, माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? माँ, पापा तो पहले ही छोड़कर चले गए थे, अब आप भी छोड़कर चली गई, आप दोनों बहुत बुरे हैं। रानू मेरी बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही पालूंगी। जिसे जब जाना होता है वो चला जाता है, जिसे भी ऊपर वाला बुलाए उसे जाना ही होता है, तुम चिंता मत करो। बेचारी रानू चिड़िया अपनी माँ की यादों में बस खोई रहती है और रोए जाती है। साल ऐसे ही बीत जाते हैं। गोरी कवि रानी चिड़िया को अपनी बेटी के साथ बड़ा करती है, लेकिन गोरी कवि अपनी बेटी और रानू चिड़िया में बहुत भेदभाव करती है। वह रानू चिड़िया को पसंद नहीं करती। रानू, जा करके नदी से पानी लेकर के आओ, शाम को खाना भी बनाना होता है, तुम तो बस अपने में ही लगी रहती हो, किसी काम पर तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता है, जा करके अब पानी लेकर के आओ। गोरी आंटी, आप पिंकी को भी मेरे साथ भेज दो, क्योंकि अनाज और पानी दोनों चीज़ मैं साथ में नहीं ला पाऊँगी, दोनों तो बहुत भारी हो जाएंगे, फिर मैं उड़ नहीं पाऊँगी, आप पिंकी को भी मेरे साथ भेज दो। हाँ हाँ, आप मेरी बेटी भी जाएंगी, मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी, जा करके चुपचाप तुम काम करके आओ, एक नंबर की आलसी चिड़िया हो, न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तेरी जिम्मेदारी अपने सर पर मढ़ ली। फिर रानू चिड़िया
उदास होकर नदी पर पानी चली जाती है। वह नदी पर बैठी होती है। वहाँ पर एक पास में चिड़ा भी बैठा था। फिर चिड़ा उसके पास आता है और कहता है, क्या आप इस जंगल में ही रहती हैं? मैं इस जंगल में नया आया हूँ। अभी अभी हमने घर बनाया है, इसलिए इस जंगल के बारे में हमें ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। अगर आप हमारी मदद कर दें तो आपका बहुत मेहरबानी होगी। आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? अगर आपको अनाज ढूंढने में परेशानी हो रही है तो अभी मैं अनाज ढूंढने ही जा रही हूँ। अगर आपको चलना हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। हाँ, मुझे अनाज ढूंढने जाना था। अगर आप मेरे साथ अनाज ढूंढने चलें तो मुझे बहुत मदद हो जाएगी। नदी तो मैंने किसी तरह से ढूंढ ली है और बाकी चीज़ें भी मैं आपसे पूछ लूँगा। फिर दोनों साथ में उड़ते हुए अनाज लेने जाते हैं। चिड़िया अनाज लेके वापस जा रही होती है। फिर चिड़ा उसे कहता है, आपने अपना नाम नहीं बताया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो बबलू है। मेरा नाम रानो है, रानो चिड़िया नाम है मेरा। रानो, बहुत ही प्यारा नाम है आपका। आप मुझे बहुत अच्छी लगी, कल मैं फिर आपसे मिलूँगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। रानो चिड़िया जब घर पहुँचती है, गौरी कवि उससे कहती है, आ गई महारानी, इतनी देर हो गई है, अब जाके तुम आ पाई हो। इतनी देर कहाँ लगी तुझे? पानी भरने गई थी या वहीं जाकर सो गई थी कहीं? गौरी आंटी, आज मुझे देर हो गई क्योंकि अनाज ढूंढने आज मुझे दूर जाना पड़ा। पास में कहीं अनाज नहीं दिख रहा था। हाँ महारानी जी, मुझे सब पता है, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो, जा कर के चुपचाप खाना बनाओ। इतनी देर वैसे ही हो गई है, अब यहाँ खड़ी होकर बातें ही करोगी या खाना भी बनाओगी जा कर के? फिर रानो चिड़िया खाना बनाने चली जाए। फिर अगली सुबह हो जाती है। चिड़िया फिर से नदी के पास जाती है। चिड़ा वहाँ पहले से ही बैठा होता है। वह तो अब रोज ही मिलने लगे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। रानो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बड़े दिनों से मन में एक बात है, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। बबलू जी, आप बोलिए, आपको क्या बोलना है? वो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे साथ तुम हमेशा के लिए रहोगी? बबलू जी, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी, लेकिन कई दिनों से मैं भी कह नहीं पा रही थी। मैं भी आपको बहुत पसंद करने लगी हूँ। ये सुनकर बबलू चिड़ा तो बहुत खुश हो जाता है। फिर रानो चिड़िया उससे पूछती है, बबलू जी, आपने अपने बारे में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। मेरे मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे, मैं अकेला ही रहता हूँ। अपने बारे में भी कुछ बताओ रानो, मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। मेरे बारे में, मेरे पापा तो मेरे जन्म लेते ही मर गए थे और मेरी माँ तो जब मैं छोटी थी तभी गुजर गई थी। फिर हमारे बगल में ही गौरी आंटी रहती हैं, उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। रानो, तो तुम अपने घर में हमारी शादी के बारे में बात करो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि
कि जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे घर आ जाओ। ठीक है, कल तुम मेरे साथ ही चलना, फिर मैं गौरी आंटी से बात करूंगी। ऐसे दोनों बातें करके अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह जब होती है, चिड़िया बबलू चिड़े को लेकर गौरी कवि के पास पहुंच जाती है। गौरी आंटी, ये बबलू जी हैं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ, बस आप आज्ञा दें। आप मेरी माँ जैसी हैं, आपने मुझे बचपन से ही माँ के जैसा ही पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर गौरी कवि सोचने लगती है, अच्छा ही है, अगर ये चिड़िया इस चिड़े के साथ शादी करके चली जाएगी, मेरे सासे तो बाला टलेगी, मुझे कोई खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, इसकी शादी मुफ्त में ही हो जाएगी, मैं अपनी बेटी की शादी फिर धूमधाम से करूंगी। गौरी आंटी, क्या हुआ आपको, आप तो सोच में पड़ गई, क्या आपको बबलू जी अच्छे नहीं लगे? नहीं नहीं चिड़िया बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी अनुमति है, मुझे चिड़िया बहुत अच्छा लगा, तुम इसके साथ शादी कर सकती हो। ये सब बातें गौरी कवि की बेटी पिंकी वहीं पर खड़े होकर सुन रही थी। उसे वो चिड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वह मन में सोचती, अगर ये चिड़ा मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो, ये तो कितना सुंदर चिड़ा है, मैं तो इसके शादी शादी करूँगी, मैं इस चिड़िया की शादी इसके साथ होने नहीं दूँगी। चिड़िया चिड़ा जब चले जाते हैं, फिर कौवे की बेटी पिंकी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मुझे ये चिड़ा बहुत पसंद आया है, आप इस चिड़िया की शादी चिड़े के साथ मत करो, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। अरे पिंकी बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, ये चिड़ा बहुत गरीब है, इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं तेरी शादी किसी अच्छे घर में करूँगी, बहुत अमीर खानदान में करूँगी, तू कहाँ इस चिड़े के चक्कर में पड़ी है, तेरी शादी इसके साथ नहीं हो सकती है। फिर समय ऐसे ही कुछ दिन बीतता जाता है और गौरी कवि की बेटी पिंकी शहर में पढ़ने के लिए चली जाती है। फिर रानू की चिड़िया की शादी बबलू चिड़िया के साथ हो जाती है। वह अपने घर में खुशी से रह रहे थे। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। बबलू जी, आपके लिए एक खुशी की खबर है। रानू, जल्दी से बताओ क्या खबर है। बबलू जी, मैं अंडा देने वाली हूँ, कुछ दिनों बाद हमारा बच्चा भी आ जाएगा। बबलू चिड़ा ये सुनकर बहुत खुश था, वो दोनों अपना खुशी से जीवन जी रहे थे। दूसरी तरफ पिंकी को भी वापस आ जाती है। फिर उसको पता चलता है कि चिड़िया की तो शादी हो गई है। वह तो गुस्से से आग बबूला पड़ी थी। फिर वह चिड़िया के पास पहुंच जाती है। रानू, तूने शादी कर ली, मैंने तुझे मना किया था कि वो बबलू चिड़ा मेरा है, फिर भी तूने शादी कर ली, मैं शहर पढ़ने क्या गई, तूने तो शादी भी कर ली, अब तू उसे छोड़ दे, वो मेरा है। ये सब तुम क्या कह रही हो पिंकी, बबलू जी से मेरी शादी हो चुकी है, अब वो मेरे हैं, और ये सब बातें तुम्हें करना अच्छा नहीं लगता, तुम यहाँ से चली जाओ। रानू चिड़िया का ऐसा कहना था कि पिंकी कवि तुरंत ही एक डंडी से रानू चिड़िया को पीटने लगती है। वह उसे इतना पीटती है, उसका सर फट जाता है और खून निकलने लगता है। रानू चिड़िया थोड़ी देर बाद ही वहीं मर जाती है।
फिर ये सब देखकर पिंकी को भी डर जाती है और वहाँ से चुपके से भाग निकलती है। घर पहुंचकर पिंकी को भी अपनी माँ से कहती है, मम्मा जल्दी चलो, यहाँ से हमें अब भागना होगा। जल्दी से हम अपना सामान इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ से जल्दी भाग निकलते हैं, वरना सारे पक्षी आकर हमें जान से मार देंगे। पर पिंकी, हम यहाँ से क्यों जाएंगे? हमारा घर है और पक्षी हमें क्यों मारेंगे भला? मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं रानू चिड़िया के पास गई थी, उसने जो बबलू चिड़िया से शादी कर ली। मैं तो उसे कह मना कर रही थी कि बबलू चिड़िया को मेरे हवाले कर दे, लेकिन वो तो मानी ही नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे डंडी से पीटा और वो वहीं मर गई। मम्मा, आप जल्दी चलो यहाँ से। फिर गौरी कवि और उसकी बेटी दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। उधर बबलू चुड़ा चिड़िया को ढूंढ रहा था, फिर वह एक जगह उसे पड़ा हुआ पाता है। रानो, ये तुम्हें क्या हो गया? उठो रानो, हम तो अच्छा जीवन जी रहे थे ना, हमारे पास तो बच्चा भी आने वाला था ना, अपने बच्चे के खातिर ही उठ जाओ रानो। ये बात धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाती है। फिर सारे पक्षी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कवि को ढूंढने लगते हैं। फिर इधर उधर कवि को ढूंढते, लेकिन कवि तो कहीं मिलती ही नहीं है। रानो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं एक पल भी अब जिंदा नहीं रह सकता हूँ, मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। बबलू चिड़िया तो शराब पीने लगता है और एक दिन शराब पीकर कुएं में कूद जाता है। कुएं में कूद कर वह अपनी जान दे देता है। दूसरी तरफ गौरी कवि और उसकी बेटी पिंकी एक जगह बैठे होते हैं, तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, नदी का पानी तूफान पर आ रहा था। फिर नदी का पानी धीरे धीरे दोनों कवि के पास आ जाता है और दोनों कवि उसी में बह जाती हैं। इस तरह दोनों कवि भी मर जाती हैं। एक कवि की जिद ने जंगल के कितने पक्षियों की जिंदगी को खत्म कर दिया।